Good morning, friends. My name is Professor Saurabh Bajaj, and I welcome you all to the 12th episode of our series, Think Smart with Professor Bajaj. दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने जिस टॉपिक के बारे में बात की थी, उसका नाम था Don't Be Normal. We wholeheartedly thank you for all the love and support that you have shown by liking and sharing the video. इस हफ्ते हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, उसका नाम है The Power of Choice. दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किस्मत पे या भाग्य पे बहुत विश्वास करते हैं. हम कई बार कहते हैं कि होने वाला तो वही है जो भगवान ने ऑलरेडी हमारी किस्मत में लिख दिया है. मैं चाहे कुछ भी करूं, वो बदलेगा नहीं. ये बात कुछ हद तक सच तो है, लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट भी है. भगवान ने हमारी किस्मतें जरूर लिखी है, लेकिन उन्होंने हमारे पास एक बहुत बड़ा पावर भी दिया हुआ है, और ये पावर है द पावर ऑफ चॉइस का. फ्रेंड्स, यू विल एग्री विथ मी इफ आई टेल यू कि हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हमें कुछ ना कुछ चॉइस करना पड़ता है, और उसके बाद हमारी लाइफ में क्या होने वाला है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमने क्या चॉइस किया. अगर हम गहराई से सोचे तो ये चॉइसेस हम हर पल कर रहे हैं. सुबह कितने बजे उठना है इज अ चॉइस दैट वी मेक. सुबह उठने के बाद हमें क्या करना है इज अ चॉइस दैट वी मेक. फॉर एग्जाम्पल, हम सुबह उठते हैं और अलार्म को स्नूज करके फिर से सो जाते हैं इज अ चॉइस दैट वी मेक. अगर हम सुबह उठ के अपने बिजनेस के ऊपर कुछ काम करते हैं तो हमारी डेस्टिनी कुछ अलग होगी. अगर हम सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी डेस्टिनी कुछ अलग होगी. तो आप देखेंगे कि हमारी डेस्टिनी क्या होगी इज अ प्रोडक्ट ऑफ वॉट इज द चॉइस वी आर मेकिंग. इंटरेस्टिंगली, मेकिंग अ चॉइस इज नॉट अ ईजी जॉब. कोई भी चीज चॉइस करने के लिए हमें बहुत सोचना पड़ता है, जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है. हम में से बहुत सारे लोग डिफॉल्ट मोड में रहना ही पसंद करते हैं. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. आज से 20-25 साल पहले हमारे टीवीज में सिर्फ एक ही चैनल हुआ करता था, दूरदर्शन, और उस पर हफ्ते में एक दिन एक अच्छा सीरियल आता था जिसे हम बड़ा हैप्पीली देख लेते थे. देन केम द सैटेलाइट चैनल्स एंड नाउ वी आर बम्बार्डेड विथ मोर देन 500 चैनल्स, और इसकी वजह से हमारे पास में बहुत सारी चॉइस आ गई. हम जो चाहे वो चैनल देख सकते हैं. बट क्या सब कुछ अच्छा हुआ? आज क्या हम किसी एक चैनल को शांति से खुशी से देखते हैं? हम एक चैनल देख रहे होते हैं और रिमोट से सर्च कर रहे होते हैं कि किसी और चैनल पे कहीं कुछ और बेटर तो नहीं आ रहा. इसका मतलब ये है कि हम जितने चॉइसेस हमें ज़्यादा मिलती है उतना ज़्यादा सोचने लगते हैं और उतना ही ज़्यादा स्ट्रेस में आने लगते हैं. सिमिलरली, वी हैव चॉइसेस इन एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ. प्रॉब्लम यह है कि चॉइस करते समय हम कई बार शॉर्ट टर्म प्लेजर को चूज कर लेते हैं ओवर अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. जब आप सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं तो आपके पास में दो चॉइसेस हैं, हैविंग अ हेल्दी ब्रेकफास्ट और हैविंग अ जंक फूड. नाउ इफ यू हैव अ जंक फूड देन इट विल गिव यू डेफिनेटली शॉर्ट टर्म प्लेजर, बट इन द लॉन्ग टर्म इट विल हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन योर बॉडी. एज अगेंस्ट दिस, इफ यू हैव अ हेल्दी ब्रेकफास्ट, शायद से खाते समय आपको उतना मजा ना आए, थोड़ा सा बोरिंग लगे, बट इन द लॉन्ग टर्म यू विल हैव अ गुड हेल्थ. अनदर एग्जाम्पल, हम जो पैसा कमाते हैं उसे उड़ा देना है या फ्यूचर के लिए सेव करना है इज अ चॉइस. अभी अगर हम उसे उड़ा देते हैं वी विल गेट शॉर्ट टर्म प्लेजर, बट वॉट वी विल बी लेफ्ट विथ इन द लॉन्ग टर्म डिपेंड्स ऑन वॉट चॉइसेस वी मेक. दोस्तों, इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात यह होती है कि जब हमारी डेस्टिनी इज द रिजल्ट ऑफ द चॉइसेस वी मेक, कई बार अगर हम रॉन्ग चॉइसेस कर लेते हैं लुकिंग एट द शॉर्ट टर्म प्लेजर्स और हमारी डेस्टिनी बिगड़ जाती है, वी स्टार्ट ब्लेमिंग अवर लक, वी स्टार्ट ब्लेमिंग गॉड कि भगवान ने मेरी किस्मत ही खराब लिखी है या भगवान ने मेरी किस्मत में ऐसी सब चीज़ें क्यों लिखी है. जबकि सच्चाई तो ये है कि हमारी किस्मत वॉज द रिजल्ट ऑफ द चॉइसेस दैट वी मेड. एक कबीर का दोहा यहाँ पे मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा. करता रहा तो क्या रहा, अब करी क्यों पछताए, बोए पेड़ बबूल का तो अमुआ कहाँ से लाए. जब आपके पास चॉइस था तो आपने बबूल का पेड़ बो दिया, अब आपके आम कहाँ से मिलेंगे. दोस्तों, आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार ये चॉइस करना तो बहुत ही डिफिकल्ट काम है, इसमें बहुत सारा एफर्ट डालना पड़ता है, सो हाउ अबाउट नॉट मेकिंग अ चॉइस एट ऑल.
Yeah, being in the default mode. Let me give you a small bad news in that case. Not making a choice or being a default mode is also a choice and many a times a wrong choice. समझ में नहीं आया आपको? कोई बात नहीं, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करता हूँ. मान लीजिए आपका जो छोटा बच्चा है, आप उसको बोलते हो कि 2 घंटे के लिए मैं कुछ काम कर रहा हूँ और इन 2 घंटे के लिए तुम अपना कोई स्टडीज कर लो. और आपका बच्चा स्टडीज करने के लिए बैठता है, बट नाउ ही और शी हैज टू डिसाइड व्हाट सब्जेक्ट, व्हाट पोर्शन टू स्टडी. और बिकॉज दे हैव सो मेनी चॉइसेस, दे आर नॉट एबल टू डिसाइड कि पढ़ना क्या है. 2 घंटे बाद जब आप जाके उनसे पूछते हैं कि बेटा आपने क्या पढ़ाई की, तो बोलते नहीं मैंने तो कोई पढ़ाई नहीं की, क्योंकि मैं चॉइस ही नहीं कर पाया कि मुझे पढ़ना क्या है. सो आई वेंट इन द डिफॉल्ट मोड ऑफ नॉट स्टडिंग. क्योंकि अगर मैं गलत चीज़ पढ़ लेता तो शायद आप गुस्सा हो जाते. अब मुझे बताइए दोस्तों, आपका रिएक्शन क्या होगा? उसने अगर कोई चॉइस नहीं की तो तब भी तो आप गुस्सा ही हुए. यही चीज़ हमारे साथ होती है दोस्तों. कई बार हम कुछ नहीं करते हैं और इसका एक्सक्यूज ये देते हैं कि मुझे पता ही नहीं है कि क्या करना चाहिए, व्हाट आई शुड बी डूइंग, इसलिए द सेफेस्ट वे इज आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग. बट डू यू थिंक दिस इज द राइट चॉइस दैट यू आर मेकिंग? एक्चुअली अगर आपको नहीं पता कि क्या करना चाहिए, प्लीज थिंक, प्लीज पुट इन सम एफर्ट, प्लीज फाइंड आउट कि आपको क्या करना चाहिए. यदि आप खुद से नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं, किसी की हेल्प लीजिए, किसी की एडवाइस लीजिए. नॉट डूइंग एनीथिंग इज अ चॉइस दैट इज नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर एंड इट्स अ रॉन्ग चॉइस. सो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से देखा कि चॉइस इज अ पावर गिवन टू अस बाय गॉड विच कैन हेल्प अस डिसाइड अवर डेस्टिनी. और अगर हम इस चॉइस को ठीक से करते हैं, शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को नहीं देखते हुए लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को करते हैं, तो किस तरह से हम अपनी डेस्टिनी को खुद डिजाइन कर सकते हैं. दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा. अब आपके पास में चॉइस है, या तो इस वीडियो को आप इग्नोर कर सकते हैं या फिर इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपकी और आपके फ्रेंड्स की लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ला सकता है, तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें. अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ. तब तक देखते रहिए हमारा चैनल एंड कीप थिंकिंग स्मार्ट विद प्रोफेसर बजाज. थैंक यू.